मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के तहत पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पतंग उड़ाकर मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान का संदेश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस अवसर पर मतदान के प्रति संकल्प भी दिलाया। निर्वाचन की गरिमा को अब छोड़े रखते हुए जाति समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नुक्कड़ नाटक की जो टीम है वो अपनी प्रस्तुति शुरू कर मतदान जागरूकता अभियान, इसके बारे में सब लोगों को जागरूक करने के लिए। हाँ, तो ये तो सही है जमुरे। अरे जमुरे नहीं तो इसलिए तो मिला है कि तुम लोगों को जागरूक करेगा। नहीं मैं तो मंत्र मारू फिर मान लिया कि मंत्र मारो। हाँ तो जमुरे जाएगा तो विदिशा वाले को जानकारी देकर आएगा तो निकल गया। हाँ ये तो मुझे भी पता है, बहुत बड़ा है। हाँ हाँ बुला लू। हाँ दीदी, हाँ बाइक गाड़ी ये चमचमाती सीट ये हैंडल ये गाड़ी के तेरे टायर काले तेरे थोड़े जैसे तो मुझे गाड़ी दिख गई और मैं काफी भी नहीं हूँ। हाँ तो तू निकल जा। हाँ एक दो एक को भैया हमारे जमुना भैया सब लोग को जानकारी देने आप देखिए दश नंबर दो। अरे यार सोनू यार जल्दी आना है, टाइम हो रहा है, कॉलेज चलना है, पंकज मैडम का लेक्चर है, वोट डालने जाना। अरे तो मेरे अकेले के वोट डालने से क्या हो जाएगा भाई, अपने लोकतंत्र जो तेरे को मिला है, तेरे को जो जिम्मेदारी मिली उसका उपयोग करना। छुट्टी पिक्चर देख के क्या करेगा तू, ज्यादा जरूरी की वोट डालना ज्यादा जरूरी है? वोट डालना ज्यादा जरूरी है यार, अब तू कहाँ जाएगा पिक्चर देखने? अरे भाई लोकतांत्रिक देश है हमारा, लोकतंत्र हमारे देश की आधार है, लोकतंत्र मजबूत होगा, मगर ये लोग है ना क्यों नहीं जाएगा मिला वोट डालने का। अगर हम वोट डालने जाएंगे जागरूक बनेंगे तो अच्छी सरकार आएगी जिससे कि हमारे देश का विकास होगा। आज यहाँ पे हम लोगों ने पतंग प्रतियोगिता और इसके अलावा नुक्कड़ नाटक का हम लोगों ने आयोजन किया था। ये इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, नैतिक मतदान को प्रेरित करने के लिए विदिशा में ये आयोजन किया गया। आयोजन काफ़ी सफल रहा और हम उम्मीद करते हैं कि 12 मई को हम लोग काफ़ी बेहतर प्रतिशत देखेंगे।